अगर हम किसी से चैटिंग कर रहे होते हैं या फिर किसी को मैसेज भेजना होता है और जब हिंदी में उन्हें मैसेज भेजने की समय आता है तो ऐसे में बहुत सारे समस्या हो जाता है, क्योंकि जितना आसान है इंग्लिश में टाइप करना उतना ही मुश्किल है हिंदी में टाइप करना। सो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हिंदी में कन्वर्ट होकर आपके सामने में आ जाएगा, अगर आप हिंदी में टाइप करेंगे तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आप इस चीज को जानते हैं तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर ओपन करना होगा और सर्च करना होगा, यहाँ पे Gboard लिखकर आपको सर्च करना होगा, ये वाला ऐप आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। 1 बिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किए हुए हैं, 4.5 के रेटिंग मिला है। अब जैसे कि ये डाउनलोड हो रहा है, होने देते हैं, और अब ये डाउनलोड कम्प्लीट होने वाला है और ये लगभग में डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है, इंस्टॉलिंग में लगा हुआ है, इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल हो चुका है, यहां से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहां पे इसको चाहे तो आप स्वाइप कर सकते हैं, उसके बाद डन करेंगे। डन करने के बाद अब देखिए यहां पे आप चाहे तो थीम सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का आप थीम रखना चाहते हैं। ऑटोमेटिक ये जो व्हाइट रंग का आता है मतलब कीबोर्ड में थीम वो रहेगा। आप चाहे तो यहाँ पे शो मोर पर क्लिक करके और भी ज्यादा थीम देख सकते हैं। प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप अपने गैलरी से कोई भी फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ देर इंतजार करेंगे ऐसे ही तो आपको नीचे में आपको बहुत सारे थीम देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जो भी थीम आपको नीचे वाला पसंद आता है वो सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर शो मोर पर क्लिक करके और भी ज्यादा थीम देख सकते हैं। तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये डाउनलोडिंग लग चुका है और ये थीम ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ये सेव हो चुका है थीम। यहाँ से बैक करेंगे और एक बार फिर से बैक करेंगे और मोबाइल के होम पेज पे चले जाएंगे। अब देखिए मोबाइल में ये फिर से Gboard लिख के आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट इनपुट मोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे Gboard लिख के आ रहा है ऊपर में, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे फिर से जैसे थीम के बारे में बताया था वो देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेटिंग है जो कि आप अपने मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा। चलिए अब बताता हूँ ये कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं मैं WhatsApp ओपन कर रखा हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे मैसेज टाइप में जाएंगे, तो जैसे थीम देखे थे आप, मैं ये वाला सिलेक्ट किया था तो इस तरह का थीम देखने के लिए मिल रहा है। आप चाहे तो अलग थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहे तो कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और जैसे अगर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे और वो हिंदी में चाहते हैं टाइप होने के लिए, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे इस तरह करके, ओके करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे कि आप किस तरह के लैंग्वेज में चाहते हैं मतलब टाइपिंग करना, या फिर आप इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे इस तरह करके, और उसके बाद स्वाइप करेंगे और जैसे कि आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो उसे चाहते हैं आपकी हिंदी में वहाँ पे ट्रांसलेट हो, तो इस पर हिंदी पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप चाहे तो कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पर हाई टाइप करता हूँ, मैंने हाई टाइप किया और देखिए यहाँ पे लेके आ गया नमस्ते, ठीक है। इस तरह करके आप यहाँ पे मतलब हिंदी में इंग्लिश में टाइप करेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे मैं लिखता हूँ हाउ आर यू,
हाउ आर यू, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में ऑटोमेटिक आ गया क्या हाल है, यहाँ से आप चाहे तो भेज सकते हैं। और जब भी आपको टाइप करना हो तो इसी तरह करके ट्रांसलेट पर क्लिक करके आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे हिंदी में टाइप करने के लिए तो यहाँ पे हिंदी के बदला आप इंग्लिश सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे इंग्लिश लिख के आ रहा है तो यहाँ पे आप हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप हिंदी, ये देखिए हिंदी लिख के आ रहा है, इस पर सिलेक्ट कर लेंगे और कीवर्ड आप हिंदी में कर लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, हर एक मोबाइल में इसी तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप सेटिंग पर क्लिक करके कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, थीम सेट कर सकते हैं, वॉइस टाइपिंग के लिए आप भाषा भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपको फायदा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। कोई भी सवाल है आपका नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।